अगले 2 घंटे में ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको उन्होंने विनर डिक्लेयर करना है जी, 2 घंटे में मेरी हार का ऐलान करना है, लिख के रख लें। अब आप अगले इलेक्शन की तैयारी कर लें, ये जो आपने तमाशा किया है ना मुल्क के साथ भयानक भयानक, दिस इज कमिंग टू। मैं ये कहूंगा कि अभी भी अल्लाह खैर करे। देखिए बात ये है कि क्या जो लोग जीत रहे हैं, चाहे इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं, चाहे जमा इस्लामी जीत रही है, मुस्लिम लीग नवाज जीत रही है, पीपल्स पार्टी जीत रही है, इंडिपेंडेंट पीटीआई जीत रही है, ये सब हमारे पाकिस्तानी जीत रहे हैं। एक बात तो पहले ये है, अब इस मामले को तो कौन जीत रहे नहीं, अभी जो है कल तक का आपका सारा नैरेटिव था कि इनमें से बहुत सारे लोगों ने पहले रابطे किए हुए हैं, मैं तो अभी तो मैं उनको ऑन कर रहा हूँ। नहीं रابطे हो रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि ये सारे पाकिस्तानी जीत रहे, पाकिस्तानी जीत रहे हैं ना, ब्यूटीफुल, लोगों ने वोट दिए, आई लव इट। अच्छा अब बात ये है कि जो आजाद है तमाम डिबेट्स में यही आजाद है, आई रिपीट, वो मदर पितर आजाद है, वेक अप, वेक अप, ओपन योर आईज। देखिए हसन साहब जिस ऑलरेडी बातें लोग कर रहे हैं, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं भी बात कर रहा हूं, एक बात कह दूं, रिक्वेस्ट यार, अभी मेरा मतलब है कि 4 घंटे नहीं हुए, 5 घंटे पोलिंग खत्म हुए हुए ना, ये बकाऊ की बात करो, लोगों ने वोट डाला है पीटीआई का सोचते हुए, जब तक वो आजाद है, जब तक उनका फैसला है, डू नॉट से कि या मादर पितर आजाद है, मेरे भाई ये मादर पितर आजाद नहीं है, लोगों ने किसी का सोच के इनको वोट डाला है। सेकंडली मतलब आपको बात लग रही है, सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन मैं थोड़ा कह रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ बात ये भी समझे, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए पहले बदगुमानी अच्छी चीज नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जो लोग जीत रहे हैं ये ठीक है, यानी लोगों ने अपने हुक्मरानों का के लिए फैसला किया, वोट डाला, जिन लोगों ने जिसको वोट दिया ठीक है वो उनकी नुमाइंदगी करे। अब वो जो उनका नुमाइंदा है, अगर वो इंडिपेंडेंट है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह का चला भी जाता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई कानूनी बार नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पहली बात। हाँ, और ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात भी नहीं, और आज तक पाकिस्तान में मुझे तो याद नहीं है कि कहीं 70, 80, 50 इंडिपेंडेंट का। ये बात आप टेक्निकल बात कर रहे हैं, टेक्निकली आपकी बात ठीक है, लेकिन अखलाकी तौर पर आप ये आपका प्रॉब्लम सुन ले, आप कभी अखलाकी पोजिशन लेते हैं, कभी कानूनी लेते, सुन ले दूसरों की भी सुन ले, कभी इखलाकी, कभी कानूनी, कभी टेक्निकल। इखलाकी पोजीशन क्या है, क्या ये लोग 1 लाख वोट ले सकते हैं अगर तरीके साहब की हिमायत इनके पास नहीं ले सकते, तो क्या ये किस ये सीट किसकी है? लेकिन अगर ये जाएंगे, ये सीट आजाद की नहीं है, आजाद सऊद मजीद जीते बाबलपुर में, मैं मानता हूं आजाद सीट है क्योंकि अपने टिकट अपना आजाद खड़ा हुआ, इसीलिए हमने ये डिस्टिंक्शन कर दी है, ये लोग आजाद हैं, ये लोग पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग हैं, ये डिस्टिंक्शन कर दी गई है ताकि जिनकी हिमायत है जाने को जाने दें, लोग कल परसों तरसों के लिए 10 दिन में ये फैसला हो जाएगा, लेकिन लेट्स नॉट प्री जजेट। ये देखिए ये आप निजाम को क्यों खराब करते हैं, ये कह के इस निजाम में सारे गंदे हैं, सिर्फ 4-6 लोग अच्छे हैं जो इस सेट में बैठे हैं, बाकी तो देखे जी लोग बिकाऊ हैं, यहाँ पे बिकने को तैयार बैठे हैं, पाकिस्तान की तारीख है तारीख, 40 लोग बिके सिंध हाउस में मंडियां लगती है, लेकिन क्या हम उसकी तंकीद नहीं करते, क्या आप लोग कहते हैं ठीक हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी है जी, हम जमीनी हकायक है, पाकिस्तान की सियासत ऐसी, अब मैं नहीं होना चाहिए ना, आप इसको कैसे इसको एंडोर्स कर रहे हैं, सुनने को तो बहुत अच्छी बात लग रही है कानों को, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे मुल्क देखिए कोशिश किया करें ना कि हम इसी मोशरे में रहते हैं, हमने इसी मोशरे में रहना है, हमें इस मुल्क की सियासत को किसी ठीक तरफ भी लेकर जाना ना, बिल्कुल लेकर आज नहीं जाएगी, 10 साल में जाएगी, 20 साल में जाएगी, वो बिल्कुल रुके, मुझे खुशी नहीं है कि वो स्विच कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे जब करेंगे, लेकिन वो तैयार बैठे हैं। प्रॉब्लम्स इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, लेकिन बात ये है कि अभी तो नतीजे भी पूरे नहीं आए, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अब ये बिकेगा या फिर अब इंतखाबात को पलट दिया जाएगा, एक मिनट लेट मी फिनिश, अगर ये इंतखाबात को पलट दिया जाएगा दोनों तरफ उल्टा है ना, मतलब या तो अगर वो भी बात ना करे फिर ये भी बात ना की जाए कि इंतखाबात जो है वो अब पलट दिए जाएंगे, अभी इंतखाबात का नतीजा किसी ने कहा पलट दिए जाएंगे, एक सेकंड नहीं, अभी ये सवाल ये हुआ कि सिस्टम डाउन हो गया है, सिस्टम लास्ट टाइम भी डाउन हुआ था, आई होप लार्जर व्यू ये है कि वी होप के ये निजाम को सॉर्ट आउट करेगा और हम बेहतर तरीके से आगे चलेंगे, पहली उम्मीद तो सबकी है। देखिए 2 घंटे में वो अंदर से कह रहे हैं, हम सब ये कह रहे हैं कि 2 घंटे दे निजाम, 2 घंटे में फैसला होगा।